बेस्ट क्वालिटी प्रिंट देने के लिए लकी प्रिंट्स लाए हैं लेटेस्ट ऑल विंग कंपनी के CA512L आई प्लस मशीन, जो भिवंडी में वन एंड ओनली है, जिसमें फ्लेक्स, विनेल, बैकलिट, स्टार, वन वे और हर तरीके के बैनर बनते हैं। इसके अलावा ब्रोशर्स, विजिटिंग कार्ड, स्टिकर्स, शादी कार्ड, बिल बुक जैसी कई प्रिंट और डिजाइन की फैसिलिटीज मिलेंगी, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी मटेरियल के लिए कॉन्टेक्ट जरूर करें लकी प्रिंट्स। सबसे पहले मैं हमारी तमाम भिवंडी के पदाधिकारी और मेरे साथ में लोग जुड़े हुए माशाल्लाह से, और पीस पार्टी को जो कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहे, कदम से कदम बढ़ा रहे, उन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी में MIM से काफ़ी लोग जुड़ते आ रहे। अभी हाल ही में हमारे साथ में मुंबई अध्यक्ष हमारे बने आबिद सईद साहब, जो भी MIM पार्टी के बहुत बड़े पदाधिकारी थे। अभी हाल ही में अभी आज देखे आपने हमारे साथ में, आज भी भिवंडी शहर के अध्यक्ष बने गए, वो भी हमारे साथ में जुड़े गए माशाल्लाह से। तो भिवंडी शहर में एक विकास का तीसरा विकल्प के रूप में इस पीस पार्टी ने भिवंडी शहर में कदम जमाया है, और भिवंडी शहर की आवाम को, तमाम आवाम को मैं चाहता हूँ कि भिवंडी शहर के हमारे जो भी कैंडिडेट यहाँ से खड़े होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, उनको सपोर्ट करें और पीस पार्टी को कामयाबी दिलाए। और यहाँ से हमने कॉरपोरेशन भी लड़ाया है, और मैं खुद यहाँ से MLA का इलेक्शन रही सीट के सामने लड़ चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पीस पार्टी आज ही आई है, और अब ग्राउंड लेवल पे हमने बहुत काम किए हैं, और उसकी तो अभी आपको जल्द रिपोर्ट मिल जाएगी कि हमने कितना ग्राउंड लेवल पे काम किए हैं। देखिए, इनका काम MIM के अंदर बहुत अच्छा था। हम लोगों ने देखा कि जब ये MIM में थे, जितने दिन भी थे, बहुत अच्छा एक्टिव मेंबर थे। एक्टिव खाली मेंबर नहीं थे, इन्होंने कंधे से कंधा मिला के अपने अध्यक्ष और जो भी नेतागण के साथ में थे उनके साथ काम करते थे। अब इनकी इच्छा हुई हमारे साथ आने की, और हम लोग की भी इच्छा थी कि चलो ऐसे लोग आते हैं हमारे साथ तो हमारा हाथ मजबूत होता है, और मजबूत होगा तो हम भिवंडी शहर के लिए अच्छा काम करेंगे। मिलजुल के काम करना अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले तो भिवंडी की जनता को जो प्रोग्राम, जो त्यौहार चल रहे, उसकी मुबारक। और दूसरा, पीस पार्टी के इस मीटिंग में आपको लोगों के आने का सबसे पहले तो इस्तकबाल करूँगा मैं। सवाल बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, ऐसा है कि मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन समय क्यों निकला, ये इम्पॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर क्यों आया ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। वहाँ बहुत सारी परेशानियाँ थी, बहुत सारे बिकने बिकाने के सिलसिले थे, बहुत सारे सवाल थे जिसके जवाब देना हम लोगों को भारी पड़ रहा था। उन सवालों से बचने के लिए जो मीर सादिक मीर जाफरों की जोड़ी वहाँ चल रही है, उनके हवाले करते हुए पीस पार्टी एक ऐसा मुझको प्लेटफॉर्म लगा कि यहाँ से वो तमाम काम हो सकते हैं जो मैं चाहता हूँ हो शहर के अंदर। मसलन, शहर के लोगों की किस तरीके से मदद कर सके, कैसे हम शहर के लोगों को एक विकल्प दे सके, कैसे हम शहर के लोगों को अपने से जोड़ करके उनके मसाइल को हल कर सके। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़ करके मैं पीस पार्टी में आया हूँ, क्योंकि पीस पार्टी का एक नारा है कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। ये नारा बहुत कुछ कहता है। इसके पहले मेरे साथियों से, साहब लोगों से सवाल पूछा गया कि जो हादसा हुआ था उसके अंदर हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो मामला हुआ था, उसमें आप लोग क्यों नज़र नहीं आए। तो यकीनन हम नज़र नहीं आए क्योंकि हमारी तादाद कम है, इसलिए इतनी बड़ी भीड़ में हम नज़र नहीं आए। हमारी आवाज़ हमने उठाई थी, हो सकता है कि आप लोगों को सुनाई ना दिया हो, लेकिन मेरी बात तो सुनिए सर। नहीं, अभी ये पार्टी में आपका शामिल, पार्टी में तो मैं आज पार्टी में एक हफ्ता शामिल हूँ, एक हफ्ता पहले शामिल हूँ। सुन लीजिए, एक हफ्ता पहले शामिल हूँ, सुन लीजिए सर, सर सुन लीजिए। उस वक्त मैं भी शहर में था। आप पार्टी की बात करें, सर सुन लीजिए ना सर, पार्टी छोटी थी, आपने कहा कि पार्टी छोटी थी, भिवंडी शहर कम थे, भिवंडी शहर एक हफ्ता हुआ आपको पार्टी के साथ में जुड़े हुए, उसके पहले तो पार्टी, मतलब पार्टी के आपको कैसे जानकारी हो गया कि पार्टी छोटी थी। ये सब लोग मेरे दोस्त हैं, जानकारी सर मैं बता दूं, ये सब लोग मेरे दोस्त है, भाव है, सबके साथ उठना बैठना होता है। हमको पता होता है कि भाई शिवसेना की चादर कितनी बड़ी है, मजलिस की चादर कितनी बड़ी है। बिल्कुल थे, इसीलिए बोल रहा हूँ, हमको पता है शिवसेना की चादर शहर में कितनी बड़ी है। आप इस पार्टी को भी बोल सकते हो सर। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने MIM में ज्वाइन होने के बाद, MIM में काम करने के बाद, आपने अपने व्याख्यान में अभी कहा कि वहाँ पर लेन देन का मामला होता था 100%। आपने पार्टी को इसलिए छोड़ा, बरोबर, बिल्कुल। पार्टी में आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 2014 से। अरे पार्टी में कब से चल रहा है? कौन सी पार्टी? जो पार्टी में जो लेन देन का मामला कब से चल रहा है? मैं बता रहा हूँ। ये जो, नहीं नहीं, नाम देखिए कैसा रहता है कि एक सब्जेक्ट है भाई मेरा, नाम लेकर के आप, चलो बताइए, मैं बता रहा हूँ, आपके जवाब को मैं दूंगा। देखिए,
अभी सैयद साहब भी 2014 से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जिम्मेदार रहे बम्बई शहर के, ठीक है, मैं भी 2014 से काम कर रहा हूँ। हमको ये पता है कि कौन कहाँ कब कितनी बार लेन देन किया, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जब मैं दोबारा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में मैं आया, जब मैं दोबारा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में मैं आया, भिवंडी लोकसभा अध्यक्ष, बता रहा हूँ ना आप, सवाल पूरा होने, जवाब पूरा होने नहीं देते, सवाल पे सवाल डालोगे तो आप तो खतरनाक आदमी हो, तो जवाब पहले सुन लीजिए, मैं जवाब क्लियर तो करने दीजिए। मैं वो बोल रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में लोकसभा संपर्क प्रमुख जब मैं हुआ, उसके बाद में मेरा बहुत करीब से गुजरना हुआ। जब आदमी बहुत करीब से गुजरता है ना, तो वहाँ पर समझ में आता है कि किसके गिरेबान में कितने काले पड़े हैं। तो जब मैं करीब से गुजरा तो मुझको लगा कि यार यहाँ पे तो बहुत दाग है, इस दाग का जवाब मैं क्यों दूँ। देखिए चल रहा होगा एक ज़माने से, सब पॉलिटिकल पार्टी में चलता होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है और आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी जो चली है, उस वीडियो को मैं नहीं प्रमाण के तौर पर मैं नहीं पेश कर रहा हूँ, लेकिन आवाम सब जानती है कि किसने क्या किया। मैं ज़्यादा करीब से गुजरा हूँ, इसके लिए मैं उनके सवालों का जवाब दे नहीं हूँ, इसलिए मैंने उसको खैरबाद अल्लाह हाफिज़ कहा है। और आप पीस पार्टी के अंदर ज़ोरों शोर दमखम के साथ इंशाल्लाह काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि पीस पार्टी उन पार्टियों से अलग है और अलग तरीके से काम करती है। वो वीडियो कब वायरल हुआ था वो सर आपको भी पता है, आप पत्रकार आप पत्रकार हैं सर, आप पत्रकार हैं, यू नो एवरीथिंग। नहीं आप बताइए कि नहीं, मैं दिनों तारीख नहीं याद है मुझको, लेकिन पार्टी कब छोड़े आपने, पार्टी अभी छोड़ा है? चार दिन हाँ जी, मतलब इतने दिन से जब आपको सब मालूम था कि हिमाचल में जो इस तरह के मामले चल रहे, आपने पार्टी क्यों नहीं छोड़ा? नहीं नहीं पार्टी क्यों नहीं छोड़ा, नहीं देखिए एक वक्त रहता है, एक वक्त रहता है हर चीज़ का, एक वक्त रहता है। आज वक्त है तो आपसे बात हो रही है, जब वक्त हुआ तो मैंने पार्टी छोड़ा है, आप बात समझे। ऐसा नहीं कि हमेशा कोई भी काम एकदम एक से किया। तिरंगा रैली पर भी आपने आरोप लगाया, क्या मामला हुआ एमआईएम की तिरंगा रैली पर भी आपने? हाँ अच्छा सवाल है, ये मेरा नहीं है। देखिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जो तिरंगा रैली निकाला, बेशक वो रैली निकलनी चाहिए थी और बहुत अच्छी रैली निकली, हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरीके से उस भीड़ को अपना कहा और उस भीड़ को दिखा करके नेगोशिएशन कर रहे हैं वो, कि हमको भी जो है उसमें लिया जाए, अलायंस में लिया जाए, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो मुसलमान उस रैली में शामिल हुआ था, वो मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में नहीं, इम्तियाज़ जलील साहब की मोहब्बत में नहीं, वो मुसलमान जुड़ा था अज़मत रसूल पर, रिसालत रसूल पर, मोहब्बत रसूल पर, और नीतीश राणा के जवाब के लिए जुड़ा था। समझ रहे हैं, अभी जो तरह तरह की बातें अलग रसूल की शान में गुस्ताखियाँ हो रही है, उसके जवाब के लिए वो इम्तियाज़ जलील के साथ जुड़े थे, वो भीड़ इम्तियाज़ जलील की नहीं थी, वो भीड़ मोहब्बत रसूल की थी। अब उसको दिखा करके अगर हम मुसलमानों के सरों का सौदा किया जाएगा, तो ये पीस पार्टी के माध्यम से मैं आपको बोलता हूँ, ये हमें तो कबूल नहीं है। किस तरह से आपने एमआईएम पे आरोप लगाया है, भिवंडी की जनता अब एमआईएम पे किस तरीके से भरोसा करे? जनता भरोसा करे ना करे, मुझको भरोसा नहीं है, कम से कम लोकल लीडरशिप तो बिल्कुल नहीं। लोकल बॉडीज़ के जो करप्शन हैं, देखिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं फिर से स्पष्ट रूप से कहूँगा कि मैं भिवंडी लोकसभा संपर्क प्रमुख रहा हूँ, जिस तरीके से भिवंडी के लोकल बॉडी ने लोगों के विश्वास के साथ खेला है, आप भी जानते हैं उस बात को, आप पत्रकार हजरात जानते हैं कि किस तरीके से एमपी की टिकट आई और किस तरीके से आधी रात को बैठा गया, आप इस बात को जानते हैं कि तमाम बिल्कुल था, उसका जवाब मैंने सुल्तान कुरैशी साहब को उस वक्त दिया था, ठीक है ना। लेकिन मैं बता दूं, वक्त के साथ और भी परतें खुलेंगी और भी बातें सामने आएंगी, सारा पोस्टमार्टम आज कर लेना मुनासिब नहीं। पीस पार्टी की सीधी टक्कर इस वक्त हम लोग ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि पीस पार्टी जो है, पीस पार्टीज वर्सेस ऑल, हम बताएंगे कि भाई जो इंडिया अलायंस है उसमें क्यों ना जाए, हम ये बताएंगे कि जो इंडिया अलायंस है उसमें क्यों ना जाए और हमारे साथ क्यों आए। ये वक्त के साथ हम पब्लिक के अंदर अपने डोमेन को खोलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। हमारा मुकाबला सारों से है, ऑल वर्सेस वन, इंशाल्लाह हम अपनी काबिलियत और अपने मकसद को बताएंगे आपको आगे। कामरान शेख को आज भिवंडी शहर का अध्यक्ष बनाया गया, भिवंडी शहर में बहुत से ऐसे मसले मसाइल है, कमर्शियल पहला कदम क्या रहेगा भिवंडी शहर की, किस मुद्दे पर आप नजर रखते हैं और उसमें किस तरह के आपके अमल को देने? सबसे पहला जो मसला है साहब, वो होता हुआ एक्सीडेंट है शहर के अंदर, उस शहर के अंदर जो एक्सीडेंट है उसकी बारीक बीनी से हम लोगों ने बहुत उसका जो है जायज़ा लिया है। जो आप देख रहे हैं कि ये जो
इंटर कनेक्शन है, जैसे ब्रिज से नीचे उतरते ही साथ यहाँ से ब्रिज के, ब्रिज से ऊपर से आके ब्रिज के नीचे जाना पड़ता है, ये जो क्रॉसिंग है इसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट होते हैं। और आप देखोगे सड़क पर जो सीमेंट रोड बना है उसके बाद जो डामर रोड है उसके दरमियान में गैप है, उस गैप की वजह से गाड़ी स्किड होती है और एक्सीडेंट होता है। इसके लिए हम आगे चलकर पत्र व्यवहार भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, जब तक ये मसला हल नहीं होगा पीस पार्टी भिवंडी शहर में दिखाएगी कि काम कैसा होता है। इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम अपनी पूरी जान पूरी दम दम लगा देंगे, हम अपनी कोशिश इंशाल्लाह कल से शुरू कर देंगे। ठीक है, अब वक्त आपको बताएगा कि काम का। बोलिए सर, क्या पीस पार्टी में सिर्फ मुसलमान है कि इसमें कोई गैर मुस्लिम या बिरादरी में वतन भी शामिल है? हाँ, जैसे कि हमारा नारा है कि भाई एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, तो यकीन मानिए हमारे अंदर बहुत सारे गैर मुस्लिम दलित भाई भी जुड़े हैं जो भी मौके पर मौजूद नहीं है। ये प्रोग्राम बहुत तेज़ी से लिया गया, अभी आने वाले वक्त में आप लोगों को फिर मधु किया जाएगा, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमारे साथ पाटिल हजरात भी है, हमारे साथ जो है धनगर समाज के लोग भी है, हमारे साथ मराठा समाज के लोग भी है, आपको दिखेगा आगे चलकर भी। इंशाल्लाह।